वेलकम बैक, यूएमबी न्यूज देख रहे हैं आप। मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगले 24 घंटे कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का हाल। भारतीय मौसम विभाग IMD ने अभी तेज आंधी और भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में चक्रवाती तूफान का हाई अलर्ट, आंधी के साथ इन राज्यों में होगी भारी बारिश। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब उत्तराखंड तक बदलेगा मौसम। IMD ने जताई आंधी और बारिश की संभावना। देश के कई राज्यों इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। उत्तर भारत के राज्यों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। आने वाले अगले कुछ दिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मौसम के करवट लेने की उम्मीद है। इन राज्यों में तेज हवाओं साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई राज्यों में बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 16 और 17 मई को तेज हवाओं के साथ गरज, बारिश और ओले गिरने की संभावना है। उधर पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 16 और 17 मई को हल्की बारिश की संभावना है। इन राज्यों में आंधी तूफान की संभावना। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 16 मई को आंधी तूफान की संभावना है। वहीं उत्तर राजस्थान के कई इलाकों में 14 और 15 मई को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। IMD ने 16 मई तक केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि दक्षिणी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। IMD ने 16 मई तक के लिए केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। वहीं कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ है। इसमें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानामथिट्टा, अल्लापुझा, कोट्टायम और त्रिशूर जिले शामिल है। IMD ने कहा कि केरल के तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार है। मछुआरों को 16 मई तक समुद्र में जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने मल्लपुरम, कोझिकोड और वायनाड जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की शुरुआत 27 मई को होने की उम्मीद है, जो इसकी सामान्य तिथि 1 जून के करीब 5 दिन पहले है। तमिलनाडु में 17 मई तक बारिश के आसार। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कई जिलों में 17 मई तक भारी बारिश की आशंका जताई है। शनिवार को जारी पूर्वानुमान के अनुसार तमिलनाडु के सेलम, धर्मपुरी, तिरुचि, पेरम्बलूर, नमक्कल और तंजावुर में बादल गरज के साथ बरस सकते हैं। आने वाले दिनों में तिरुवरूर, नागापट्टनम, कलकुरिची, मयिलादुथुराई, कुड्डालोर, बेल्लूपुरम, तिरुपुत्तर और बेल्लोर क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। देश में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में लू के कारण लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच IMD ने एक बड़ी जानकारी साझा की है। IMD की ओर से जानकारी दी गई है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने 15 मई 2022 के आसपास दक्षिणी अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में पहुंचने की संभावना है। राजधानी दिल्ली और उससे सटे उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं असम में लगातार हो रही बारिश के कारण दीमा हसाओं के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। असानी चक्रवात के आने के बाद से असम में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है। बारिश और जलभराव से हजारों लोग बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक लगातार बारिश के कारण दीमा हसाओं जिले के 12 गाँव से अब तक भूस्खलन की खबर है। IMD ने 17 मई को हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड और गंगा के मैदानी इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है। इससे मौसम सुहाना हो सकता है और गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। बात करें बिहार की, तो राज्य में 13 से 15 जून के बीच मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून 27 मई तक केरल तट पर पहुंच जाएगा, 7 जून तक छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर सकता है। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर दिन ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहें UMB न्यूज़।